लक्ष्य पर 26 नवंबर को अपने विद्यालय में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता संपन्न की थी। उसके बाद कुछ एक विभाग द्वारा जो और प्रतियोगिताएं निर्धारित की गई थी, जैसे निबंध लेखन, स्लोगन, भाषण प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता। इसके लिए एक पूरे देश में 26 नवंबर से लेकर संविधान सप्ताह मनाया जा रहा है, उसी उपलक्ष्य पर आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो अधिक समय न गवाते हुए मैं आपको जो हमारा आज की भाषण प्रतियोगिता है उसके बारे में कुछ जो मुख्य बातें हैं वो बताने जा रहा हूँ। इसमें हमने 5 भागों में बांटा है आपका जो प्रतियोगिता है। पहले प्रस्तावना, प्रस्तावना का निर्णायक मंडल नोट कर लेंगे अपने पास। प्रस्तावना का 1 नंबर मुख्य भाग, मुख्य भाग के 4 नंबर निष्कर्ष, 2 नंबर और समय सीमा रखी हमने 3 से 5 मिनट, कम से कम 3 मिनट और अधिक से अधिक 5 मिनट, तो इसका 1 मिनट रखा है। और जो मौखिक या फिर देख के बोलता है उसके हमने 2 मिनट 2 नंबर रखे हैं। अगर मौखिक बोलते हैं तो 2 नंबर, अगर नहीं बोलते तो 2 नंबर कट जाएंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से है, सभी ध्यान रखें इसका। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं लियाकत अली कक्षा 12वीं का छात्र और सावित्री सदन की ओर से आपके समक्ष आज संविधान दिवस के ऊपर भाषण करने जा रहा हूँ। इसी के साथ मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ और इस दिवस की आपको शुभकामनाएं देता हूँ। कानून की दलील है, कानून की दलील है स्वतंत्रता का यह मील है, कानून की दलील है स्वतंत्रता का यह मील है, कर्तव्य है अधिकार है, कर्तव्य है अधिकार है विचारों का अंबार है, कर्तव्य है अधिकार है विचारों का अंबार है, स्वराज भी इसी से है, स्वराज भी इसी से है, इसी से वतन महान है, इसी से वतन महान है, ये मेरा संविधान है, ये मेरा संविधान है। आज हम सभी यहाँ संविधान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हर भारतीय नागरिक के लिए 26 नवंबर संविधान दिवस बड़े गर्व का दिन है। कोई भी नागरिक इस देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने के बिना नहीं बैठता है। कोई भी देश संविधान के बिना संविधान नहीं था, संविधान के बगैर देश नहीं चलाया जा सकता, संविधान के बगैर देश नहीं चलाया जा सकता था। इसीलिए इसको बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, इसको चलाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्याम प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इसीलिए संविधान निर्माता भी कहलाते हैं। संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। यह 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ और इसे अपनाया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। साल 2015 में भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। 2015 इसीलिए खास वर्ष था क्योंकि उस साल संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी। संवैधानिक मूल्य के प्रति नागरिकों के सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए तब से यह दिवस हर वर्ष मनाया जाता है।
यह जो भारत का संविधान है, यह जो भारत का संविधान है, हर भारतवासी की पहचान है, हर भारतवासी की पहचान है। और जिसने इस संविधान का निर्माण किया है वे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महान है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि वह अपना विषय जो हम हमारे सामने प्रस्तुत करें, बाकी तैयार रहेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं प्लस टू कक्षा की छात्रा भावना कल्पना सदन की ओर से आपके समक्ष भारतीय संविधान के बारे में भाषण देने जा रही हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरे भाषण को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। भारतीय संविधान से निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, से जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी वर्षा भवत सा स्वतंत्र भारत से प्रथम विधि मंत्री भारत से संविधान से आसीत। अम्बेडकर महोदय से जन्म भारत से मध्य प्रदेश मऊ नाम के स्थाने भवत सातु रामजी मलोजी सकाल सकपाल महोदय से एवं भीमा बाई इत्याख्या चतुर्दश संख्यक पुत्र आसीत। सा हिंदू महाजातिया संबाधित आसीत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूर्वज बहुकालम यावत ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी इत्याख्या सेनायाम कार्य करत आसीत। तस्य पिता भारतीय सेनायान मऊ शिविर सेवायाम आसीत। सा असौ समाजकम् प्रतिरोधिशम आसाहत। रामजी सकपाल विद्यालय स्वपुत्र भीमराव से उपनाम सकपाल से स्थाने अंबार वेकर लिख समान। धन्यवाद। जय भारत। जय हिंद। अध्यापक गण और सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले संविधान दिवस के पावन पुनीत अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मानवीय गरिमा का सम्मान है, आपसी बंधुत्व में देश महान है, मानसिक आजादी है हर व्यक्ति में, मेरे भारत का ऐसा संविधान है। आज हम 73वां संविधान दिवस मना रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि आजादी के बाद देश को एक व्यवस्था की जरूरत थी जिसमें कानून व्यवस्था शासन व्यवस्था के नियम हो, हर नागरिक को न्याय मिले, मानवीय मूल्यों का सम्मान हो। उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर अबुल कलाम आजाद जैसी विभूतियों ने भारतीय संविधान लिखा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 में अपना काम पूरा कर लिया। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। हमें कुछ अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिली, अपने विचार प्रकट करने की आजादी मिली। भारतीय संविधान हमें अपने हितों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से धरना हड़ताल करने की अनुमति देता है। संविधान दिवस पर कहना चाहती हूँ कि यह दिन हमारे लिए संकल्प का दिन है। मानवीय मूल्यों के बिना संवैधानिक मूल्यों का सम्मान नहीं हो सकता। आज देश से हम लोग हमारे अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आए दिन मुख्य मार्गों को रोक देना, धरने हड़ताल की आड़ में आम लोगों को परेशान करना, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करना, आजकल बस यही तोहफे दे रहे हैं हम अपने संविधान निर्माताओं को। ऐसे धरने हड़तालों के कारण ना जाने कितने लोगों का रोजगार मारा जाता है। आज हमें मानवीय मूल्यों का सम्मान करने की जरूरत है। देश का संविधान कभी व्यवस्था नहीं बनता। संविधान के प्रति देश के हर नागरिक की प्रतिबद्धता व्यवस्था कायम करती है। हमारे अधिकारों के प्रयोग से अगर दूसरों को नुकसान होता है तो हम मानवीय गरिमा को भुला रहे हैं। आओ सब मिलकर आह्वान करें कि हर व्यक्ति का सम्मान हो, मानवता का विकास हो, अपने अधिकारों के साथ साथ मानवीय मूल्यों को गले लगाएं। इसी से हमारे संविधान निर्माताओं के सपनों का भारत होगा। इन दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आजादी से जीना आसान होगा जहाँ हर जाति धर्म समान होगा। सपना
संविधान लिखने वालों का यहाँ हर भारतवासी इंसान होगा। धन्यवाद। कक्षा 9वीं का छात्र कलाम सदन की ओर से आपके समक्ष भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज का भाषण संविधान दिवस। भारत में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1949 में 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। संविधान को बनाने में सभी सभा योगियों का योगदान रहा है। संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जिसे दो भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में हस्तलिखित किया गया था, इसलिए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि तिरंगे का मान है भारतीय संविधान, वंचितों की आन है भारतीय संविधान, मानवता की जान है भारतीय संविधान और हर नारी का सम्मान है भारतीय संविधान, हर देशवासी की पहचान है भारतीय संविधान, हर जवान हर किसान की जान है भारतीय संविधान और आप यहाँ पर खड़े हैं उसके लिए बाबा साहेब लड़े हैं और आपके हाथों में आज जो पुस्तक और पेन है वो बाबा साहेब की देन है और आप अभी भी उनके प्रति मौन हैं, तो दिल पर हाथ रख के बताइए कि आप उनकी आपकी तरक्की के पीछे कौन है। धन्यवाद।